that. So that's how he got promoted. That's how he. So I'm very happy that he did, because you know, any kind of motivation is good. फिट्सअप एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ला रही है फिटनेस को लेकर, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है यहाँ पर, जो बहुत सी सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन नॉलेज ना होने के कारण हम उन्हें नहीं अपना पाते हैं. सो उसकी अवेयरनेस यू नो लोगों तक पहुँचाने के लिए फिट्सअप इज़ अ क्रिएशन. ऑल्सो फिट्सअप एक ऐसी कंपनी है जो फिटनेस को प्रमोट करती है, एंड इट इज़ वो इंडिया के हर इंसान तक ईजी टू ऑपरेट फिटनेस आइडियाज़ पहुँचाएंगी, बिकॉज यू नो नॉट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जिम का मेम्बरशिप भरो और आप जिम जाओगे तो ही आप फिट रह पाओगे, ऐसा नहीं है. यू नीड टू यू कैन बी फिट विदाउट योर जिम मेम्बरशिप्स एंड विदाउट योर वेट्स एंड विदाउट मशीन्स ऑल्सो. तो ये एक चीज़ है. एंड वॉट यू शुड ईट, वॉट यू शुड नॉट ईट, यू नो वॉट इज़ गुड फॉर यू, वॉट इज़ नॉट गुड फॉर यू, इज़ ऑल्सो समथिंग दैट फिट्सअप इज़ फोकसिंग ऑन एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू. एंड ऑफकोर्स उसके लिए ये पहला इनिशिएटिव है, विच इज़ वी आर डूइंग अ फिटनेस टूरिज्म, वी आर गोइंग टू जॉर्डन फॉर इट, और हम वहाँ जाएंगे और जब वापस आएंगे तो एज दे से हम पहले से फिटर होकर आएंगे. शुरुआत जॉर्डन से हो रही है, कितनी एक्साइटेड है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग ट्राई कर रहे हैं. जी हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट जॉर्डन, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार जा चुकी हूँ और इस बार हम जिन जिन जगहों पर जाने वाले हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. इन जगहों पर हम लास्ट टाइम नहीं गए थे, लास्ट टाइम एज इन लास्ट टाइम जब हम शूट करने के लिए गए थे वहाँ पर. एंड यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, आई हैव बीन देयर, मैंने देखा है, इट्स अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, तो वहाँ जाके तो और भी मज़ा आने वाला है. सो लेट्स यू नो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड. पर्सनली पूजा का क्या कहना फिटनेस 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 फिट सबको लेके क्या कहना? मेरा कहना, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड एंड हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद फिट्सअप, क्योंकि ये पर्सनली मैं सिर्फ इसको यू नो आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस टू एंडोर्स इट, आई एम एक्चुअली सेइंग इट बिकॉज ये मुझे भी बहुत हेल्प करने वाला है. एनी वन हु वॉन्ट्स टू गेट फिटर इन लाइफ, इट्स गोइंग टू हेल्प देम. सो या आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी दैट समवन हैज स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव. ऐसे टिप्स हैं जो पूजा देना चाहती हो या कभी उन्होंने ट्राई किया हो कि हाँ ये शेयर कर सकते हैं, ऐसे सारे टिप्स के काम आ जाते हैं? एक बहुत ही आसान सी, एक बहुत ही सिंपल सी टिप मैं देना चाहूँगी, विच इज़ नॉट रियली एन एक्सरसाइज बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिटेशन और ब्रीदिंग का इम्पॉर्टेंस, उसे मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को ना बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नो दैट वन कैन डू फॉर देमसेल्व्स. ब्रीदिंग, हम सांस लेते हैं यू नो तभी हम जिंदा है आज. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब आप नर्वस हो, जब आप यू नो जब भी आपको टाइम मिले, जब आप गुस्से में हो, जब आप दुखी हो या जब आप खुश भी हो, किसी भी टाइम पे आई वुड सजेस्ट दैट यू नो एवरी वन शुड गेट अप इन द मॉर्निंग फर्स्ट थिंग एंड जस्ट टेक 20 डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट. ये सुबह करो उठते ही, शाम को मतलब सोने से पहले 20 बार करो,
मैं आपको गारंटी देती हूँ, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आपको गारंटी देती हूँ आप ऐसी चैन की नींद सोएंगे, जो भी 4-5-6 घंटे आपको मिलेंगे वो इतनी अच्छी नींद मिलेगी आपको, आपको कोई इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम होती है, लोगों को नींद नहीं आती, गोलियाँ लेनी पड़ती, कुछ नहीं होगा, सब चला जाएगा। इफ़ यू गेट अप एंड डू दैट, जो 20 times सुबह उठ के करोगे उससे आपकी सिस्टम, आपका पूरा बॉडी बेटर रहेगा, खास करके आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। सो आई थिंक दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको घर बैठे बैठे You just have to do that. जैसे फिटनेस का नाम है तो सबसे पहले मेंस के नाम आते हैं और ये हम वुमेन्स पर चिपक रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? यस, ये जनरल नोशन है कि फिटनेस को मर्दों के साथ ही एसोसिएट किया जाता है, बट आई थिंक धीरे धीरे द थिंग्स आर चेंजिंग, वी हैव सीन इनफ एग्जाम्पल्स एंड आजकल हर कोई फिट हो रहा है, मर्द तो करते ही है, बट लाइक ऑल द वुमेन हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दैट फिट रहोगे तो ही आप यू नो जिंदगी में यू कैन कॉन्कर एनीथिंग, यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग। सो या थैंक यू, थैंक्स। सबसे पहले क्या आएगा? आई थिंक समथिंग, या इट्स ऑल रिलेटेड टू फिटनेस, सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज के फिट रहो, खूब खाओ पर फिट रहो, दैट इज द होल थिंग। तो फिर सबके बारे में कुछ बताइए, क्या है? बेसिकली इट्स सनीज न्यू बेबी जो उन्होंने ऐसे पैदा किया है फिट्स अप करके, तो हम जा रहे हैं एक्सट्रीम जॉर्डन जो ट्रिप है हमारा, विच इज़ सपोज टू बी लाइक अ फिटनेस ट्रिप, सो एवरी टाइम यू गो ऑन अ हॉलीडे यू टेंड टू पुट ऑन वेट एंड यू कम बैक, दिस ट्रिप इज़ प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ, बिकॉज एवरी मॉर्निंग यू विल नॉट बी सिटिंग इन बसेज एंड गोइंग एंड यहाँ वहाँ एंड ऑल, यू विल हैव साइकिल्स, यू विल बी वॉकिंग, यू नो वी विल टेक यू टू द बीच, वी विल मेक यू वर्कआउट देयर, लाइक नॉट हार्ड कोर वर्कआउट बट फन एक्टिविटीज, जिससे आप थोड़े से हेल्दी भी रहोगे एंड फिर अगर आप खाओगे भी तो आपको गिल्ट फील नहीं होगा कि यार इतना खा लिया है, बिकॉज यू ऑलरेडी डन योर बिट ऑफ एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस ट्रिप एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज इट्स विद ऑल माय फ्रेंड्स। आई रियली होप ही टेक्स मी टू डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज आई हैव बीन टू जॉर्डन विद हिम लास्ट मैं नहीं गई हूँ, सो आई एम फाइन विद एनीथिंग, सो या सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सम न्यू प्लेसेस इन जॉर्डन and really looking forward to the trip basically, yeah, it's going to be really fun, it's so different actually, and also it's only girls, yeah, so and you've never been to a fitness, yeah, for a fitness trip so yeah it's super amazing, yeah. Personally fit rehne ke liye ab kya karte ho? क्रॉसफिट मैं आजकल 2 महीने से जिम कर रही हूँ, तो आई डू अ लॉट ऑफ क्रॉसफिट एंड आई एम लविंग इट, सो आई हैव अ पर्सनल ट्रेनर हु मेक्स मी वर्कआउट लाइक क्रेजी एंड बिकॉज वो है यू नो तो मैं कर भी लेती हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट द टाइप जो ऐसे अकेले जिम जाए, और शी डज दैट, शी गोज टू जिम एंड वो अपने आप से एक्सरसाइज करती है, जो मैं कभी नहीं करती। आप जैसे भी कर सकते हो, जस्ट गॉट टू डू इट, सो दैट इज यही कि अगर आपको ऐसा लगता है कि फॉर यू जिम इज़ बहुत ज़्यादा वेट्स उठाना है या बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे यू नो नो इट्स नॉट दैट, यू कैन डू कार्डियो, यू कैन डू एनीथिंग, आजकल तो इतना कुछ हो गया, किकबॉक्सिंग है, देयर इज एमएमए, देयर इज पिलाटेस, देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू यू नो, सो इट्स अमेजिंग, लाइक सुयश की बहन ने स्टार्टेड अ स्टूडियो ऑफ हर ओन जहाँ पे वो TRX करवाती है जुम्बा, या सो लाइक ऑन अ संडे जब मेरा जिम बंद था, सो आईड गॉन टू हर स्टूडियो टू डू TRX एंड इट्स डिफिकल्ट यू नो, बट द काइंड ऑफ डिफरेंट चैलेंजिंग योर बॉडी जो आ गया है ना आजकल, सो फिटनेस डजंट ओनली मीन अ जिम एनीमोर, विच इज अ गुड थिंग, दैट इज़ वट आई फील, बिकॉज अलग अलग फॉर्म्स आ गए एंड आप जो इन्जॉय करते हो आप वो कर सकते हो, जैसे आई रियली इन्जॉय क्रॉसफिट, सो आई रियली लव इट, सो आई डू दैट, शी लव्स टू गो डू कार्डियो एंड यू नो वेट ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, सो दैट इज़ हाउ इट इज़, आई थिंक सबका अपना अपना एक वो होता है, देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन आजकल, सो यू कैन इजीली चूज़ कर सकते हो, इनफैक्ट अगर कुछ लोगों को दे डोंट वांट टू गो आउट एंड डू इट, दे कैन डू इट एट होम, सो मेनी थिंग्स, योगा कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, बिल्डिंग में नीचे जाके वॉक कर लो यार हाफ एन आवर, बट करो, दैट्स ऑल, दैट्स द, आई थिंक दैट इज व्हाट फिट्स अप इज ऑल अबाउट, बेसिकली जस्ट डेडिकेट लाइक हाफ एन आवर योर टाइम टू योर बॉडी एंड दैट्स इट, एंड यू विल एक्चुअली सी चेंजेस बाय द एंड। फिटनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले मेंस का नाम आता है, किसका? हाँ, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, और कौन है, फवाद खान, या और कौन है, और फवाद खान की बॉडी में नाच प्लीज, फवाद खान्स बॉडी इज नाइस प्लीज, आई थिंक रणबीर कपूर आल्सो बिकॉज़ ही इज रियली डूइंग सो मच नाउ फॉर संजय दत्त का बायोपिक, दैट्स वर्किंग ऑन लाइक, बट रणवीर सिंह इज लाइक, या आई थिंक शाहिद कपूर इज लाइक
because and Sushant Singh. Dude, how could you forget Sushant Singh? Sushant. Because we've actually seen videos of him working out. Yeah, yeah, on Instagram. Yeah, yeah. And yes. They're crazy videos, man. Matlab, what all he does is crazy. Hopefully, I don't want to put on weight. Promise kiya gaya. Yeah, Sunny ne mein promise kiya hai. Agar hum mote ho ke aaye to Sunny strangle kar. Yahin pe beech mein khade rehte. Yeah, we'll strangle. Okay, thank you. ड्रीम प्रोजेक्ट इज वॉट आई वुड से बिकॉज वो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे इसका एंड फाइनली हम लड़कियों को वो जॉर्डन ले जाके फिट करने वाला है सो या इट्स नॉट जस्ट वर्कआउट आई थिंक इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन एडवेंचर एंड क्योंकि सारे सब फ्रेंड्स हैं साथ में सो बहुत मज़े आने वाले हैं शुरुआत जॉर्डन से हो रही है तो इतना कुछ मज़े करने वाली है हाँ ऑफकोर्स किश्वर और प्रियंका हमारी दो पटाखा साथ में अनन्या है तो आई एम श्योर बहुत मज़े होने वाले हैं एक भी बोरिंग मोमेंट नहीं होगा क्योंकि किश्वर प्रियंका है हमारे साथ सो क्या मज़े आने वाले हैं जी आप लोगों के लिए कुछ न्यू टाइप का एक्सपेरिमेंट है जो फिटनेस के लिए बाहर जाना पड़ेगा सो इट्स आई थिंक कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रिप होने वाला है बिकॉज इससे पहले हम फोटोशूट के लिए डेली कैलेंडर के लिए गए हैं मैं देसी एक्सप्लोरर के लिए नहीं गई हूँ बट वो भी लाइक इट वॉज ट्रैवलिंग एंड फन बट इसमें दिस गॉन बी वर्कआउट नॉट एग्जैक्टली वर्कआउट बट अ लॉट ऑफ फन एंड एडवेंचर इन द नेम ऑफ वर्कआउट सो आई थिंक ये पहला हॉलीडे होगा मेरा जहाँ मैं जाके वेट पुट ऑन करके नहीं आऊँगी यानी कि कुछ ना कुछ चेंज देखने वाला है होपफुली आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम यार मुझे से कि कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करो इधर वॉक रन स्विम योगा एनी थिंग बट जस्ट डू समथिंग इवन फॉर हाफ एन आवर बट जस्ट डू समथिंग थ्राइस और फोर टाइम्स अ वीक व्हाटएवर यू फील लाइक बट जस्ट डू समथिंग इट इज़ द नीड ऑफ योर एवरी डे लाइफ थैंक यू I don't know.
ठीक है फोन कर हम फोन कर पीछे ना थोड़ा पीछे ना so everything is very different and Fitsup is specifically for fitness. अब जब आप fitness के बारे में सोचते हैं आप हमेशा एक six packs वाले आदमी की ही फोटो आपके दिमाग में आती है but I think this is where we're trying to show कि fitness सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है लड़कियों के लिए भी है and the great thing is कि हम holiday पर जा रहे हैं holiday के साथ we are going to do fitness. so this is a very exciting thing and I'm really looking forward to it. मैं चेयरिंग का हिस्सा ही नहीं मैं इनकी सेकेंड ट्रिप पे खुद जाने वाली हूँ फर्स्ट ट्रिप में अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाई क्योंकि मैं बिजी थी बट द नेक्स्ट ट्रिप जो ताइवान में होने वाला है आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट मतलब फिटनेस का कुछ और मैं ना जाऊँ वो तो मतलब इम्पॉसिबल है बट द वंस हु आर गोइंग ऑन द फर्स्ट ट्रिप टू जॉर्डन आई वुड जस्ट से ऑल द बेस्ट गर्ल्स पता नहीं क्या होने वाला हैव फन क्योंकि ऑब्वियसली जब पाँच छः लड़कियाँ एक साथ हों तो मस्ती तो होगी बट हैव फन एंड स्टे फिट जो जिसे
आई हैव ओनली वन टिप टू गिव ऑनेस्टली एंड दैट इज़ कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप रोज़ वर्कआउट करें और हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि इंडियन फूड वैसे ही काफ़ी फैटनिंग होता है. यू हैव टू अवॉइड अ लॉट ऑफ थिंग्स. फ्राइड फूड ना खाएं, अवॉइड वाइट राइस, वाइट ब्रेड, आई थिंक एनी थिंग वाइट अवॉइड इट. बट इसके अलावा आई थिंक सब कुछ खाइए, हमारी दाल, सब्जी, रोटी, आई थिंक इट्स वेरी न्यूट्रिशियस. सो मेक श्योर यू ईट ऑल दैट, बट मेक श्योर दैट यू वर्कआउट एवरी डे. आप मतलब वॉक करें, जिम जाएं, आधा घंटा, पौना घंटा, जो भी है, मेक श्योर यू वर्कआउट एवरी डे, क्योंकि दैट्स द ओनली थिंग दैट विल कीप यू फिट. थैंक यू. फिटसब हम लोग जा रहे जॉर्डन और वहाँ पे हम लोग शूट करेंगे. काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व, जैसे कि एक्सरसाइज, ट्रैवलिंग, अलग अलग खाना, लाइक ट्रेडिशनल फूड. आई वॉज इन इंडोनेशिया फॉर 3-4 मंथ्स और वहाँ पे मैंने खूब एक्सप्लोर किया खाना स्पेशली. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि यू नो आई एम अ बिग फूडी और वो खाना जो आप खाते हो उसको वो आपके शरीर को ना लगे, दैट्स व्हाई यू हैव टू एक्सरसाइज. काफ़ी सारे रीजंस देते रहते कि वो बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जिम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है. लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे वेयर वी विल गो एंड वी विल एक्सरसाइज देयर विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, विदाउट एनी मशीन्स. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट्स आर इन्वॉल्व. सो देखते हैं अभी. जॉर्डन जाने की बात है, सारी लड़कियाँ इकट्ठा है, कितनी एक्साइटेड है. और शायद ये पहला एक्सपेरिमेंट होगा वुमेंस के लिए. जी जी जी, ज़रूर. फिटनेस की बात, अगर आप फिटनेस के बारे में सोचते हो तो लोगों के नज़रों के सामने आपको लड़के दिखेंगे मसल्स बनाते हुए, वेट लिफ्ट करते हुए. बट इस बार लड़कियाँ जा रही है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि ऑल्सो इन अ वे सनी इज़ ट्राइंग टू प्रमोट कि लड़कियों को, औरतों को एक्सरसाइज करना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि बोन्स के लिए यू नो देर आर सो मेनी थिंग्स. लड़कियों को लगता है कि हाँ, यू वॉक, यू डू द जॉगिंग एंड दैट्स अनफ. नो, थ्रू दिस शो वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू गाइज दैट इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अ गर्ल टू डू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाइक बॉयज. या आपको क्या लगता है वहाँ से आने के बाद कुछ चेंजेस अपना? आई विल बी लाइक चिजल्ड जॉलाइन एंड I don't know, probably skinny and with like six pack abs. I know 6 din mein to nahi hone wala, but I'm like aiming for that. Kya tips dena chahiye agar fitness ko lekar aapki personally kya tips hai fitness? Pichle 3 saal se I'm into fitness. I started with yoga aur gym bhi shuru kiya, lekin mujhe lagta hai the gym doesn't make me that happy. What makes me happy, अंदर से खुशी मिलती है व्हेन आई डू योगा एंड आई डू कैलिस्थेनिक्स. आई हैव जस्ट स्टार्टेड कैलिस्थेनिक्स. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका